जय माइकी। बहुत से साधक यह जानना चाहते हैं कि साधना करते करते जब मंत्र सिद्ध होता है तो साधक को किस तरह का अनुभव होता है, उसे कैसे पता चलता है कि मंत्र सिद्ध जागृत चैतन्य अवस्था को प्राप्त होने लगा है। क्या मंत्र सिद्ध होने पर साधक को कुछ विशेष संकेत देता है? क्या साधना करते करते कुछ विशेष संकेत आने पर साधक को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना किस दिशा में जा रही है? और यदि किसी भी तरह का संकेत साधक को प्राप्त ही ना हो तो ऐसे साधक को क्या समझना चाहिए? यह सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें नवीन और प्रवीण दोनों प्रकार के साधक जानना चाहते हैं। अब इससे पहले कि मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रोक्त मतानुसार दे दूं, पहले नवीन साधकों से कुछ कहना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कुछ साधक विधिवत दीक्षा लेकर साधना तो आरंभ करते हैं, किंतु धैर्य के अभाव में कुछ समय साधना करने के उपरांत यह सोचने लगते हैं कि उन्हें कुछ विशेष दिव्य अनुभव प्राप्त होने लग जाए। बस यहीं से उनका मतिभ्रम प्रारंभ हो जाता है। वे यह भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कई वर्ष नहीं कई जन्म साधना में लगाए और तब उन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ। मुझे आश्चर्य होता है कुछ अपरिपक्व साधक केवल कुछ लाख मंत्र जप करने से ही यह समझने लगते हैं कि जगत को नियंत्रित करने वाली भगवती उनके पास खिंची चली आएगी अथवा उनके वशीभूत हो जाएगी। मैं यहाँ बड़े साफ शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि माई उनको भी दर्शन देती है जिन्होंने साधना तंत्र मंत्र इत्यादि का नाम भी नहीं सुना, और उन्हें भी दर्शन प्राप्त होता है जो साधना के लिए सर्वस्व निछावर करते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी कृपा है, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। आपका कार्य केवल इतना ही है कि साधना के झूठे दंभ को त्याग कर धैर्य के साथ साधना करें, क्योंकि जो साधक साधना को अपना सर्वस्व बना लेते हैं उन्हें साक्षात्कार तो क्या बल्कि उनके दर्शन से देवी का साक्षात्कार होता है। तो चलिए अब पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। जब साधक साधना के लिए समर्पित होता है और मंत्र सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगता है तो उसके हृदय की समस्त ग्रंथियां खुलने लगती हैं, भेद मिटने लगते हैं, अर्थात सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान अच्छा बुरा का यथार्थ ज्ञान होने लगता है। और जब यह ज्ञान हृदय में समा जाता है तो आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं, शरीर में एक दिव्य आवेश का अनुभव होने लगता है, हृदय गदगद हो जाता है, वाणी कभी कुछ कहती है कभी कुछ ना कहे भी सब कुछ कह जाती है, कभी कभी तो उसे स्वयं का भान भी नहीं रहता। किंतु यहाँ याद रखना चाहिए यह वह अवस्था नहीं है जिसे लोग देवी का आना या आवेश आना मानते हैं, वह तो एक आडंबर मात्र है और यह तो भक्ति की पराकाष्ठा है जो केवल अनुभव की जा सकती है, शब्दों में प्रोकर नहीं कही जा सकती। परंतु बात बस यही नहीं रुकती, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। साधक जो अपने मन में अभिलाषा करता है वे सभी अभिलाषाएं पूर्ण होने लगती हैं। किंतु ऐसी परिस्थिति में मेरा यह मानना है कि साधक की कोई अभिलाषा शेष रहती ही नहीं है। सर्वप्रथम देवी का दर्शन साधक को स्वप्न में ही होता है जिससे मृत्यु का नाश होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक चिंता भी मृत्यु का ही स्वरूप है, यह जीवित व्यक्ति को तिल तिल करके मारती है। कभी कभी साधक को स्वप्नावस्था में अथवा जागृत अवस्था में मंत्र की ध्वनि सुनाई देने लगती है, लेकिन यदि
किसी को यह सभी अनुभव न हो तो क्या उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना में कुछ कमी है? नहीं, साधना करने से उसके मन मस्तिष्क को शांति का अनुभव होता है तो उसे यह मान लेना चाहिए कि उसकी साधना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि जो साधक इन सभी अनुभवों को प्राप्त करता हुआ मंत्र के साथ सिद्ध अवस्था में पहुंच जाए तो वह क्या क्या कर सकता है? वह मृत्यु को रोक सकता है, शून्य में विचरण कर सकता है, मन की गति से कहीं भी आ जा सकता है, वाहन, आभूषण, राज्य शक्ति, इन सभी की तो मैं क्या कहूं। ऐसे साधक के दर्शन से समस्त रोग एवं समस्त विषयों का निवारण हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो वह प्राप्त न कर सके, क्योंकि मंत्र सिद्धि प्राप्त साधक साक्षात शिव तुल्य होता है। सिद्ध मंत्रस्तु यह साक्षात ससेव नात्र संशयः। जय माई की।